नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात। इस समय हमारे साथ मौजूद है सेना से बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव। तेज बहादुर यादव जी, आपको सेना से क्यों निकाल दिया गया? जय हिंद। आपने देखा होगा कि जब 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने बहुत कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम भी उससे प्रेरित हुए कि चलो देश को अच्छा प्रधानमंत्री मिला है तो अपनी सेना के लिए हम भी कुछ करें भ्रष्टाचार के मामले। तो वीडियो दिखाया था और उस वीडियो में क्लियर कहा था कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाए। देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद वो वीडियो तीन तीन बार देखा, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये मामला 2017 का है, जनवरी में वीडियो आया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए थे आपके 2017। खराब खाने की वीडियो आप वायरल करने से पहले आला अधिकारियों से शिकायत की थी या नहीं? हाँ, उसका जो प्रोसेस जो होता है, डिफेंस का जो प्रोसेस है, सब पूरा हमने फॉलो किया। 23 को स्पीड पोस्ट किया हुआ है, मेल भी भेजा हुआ है हमारे DGBSF को, IGBSF को, गृह मंत्रालय के अधीन आते गृह मंत्रालय को, PMO को, और सभी को भेजा था। उसके बावजूद ये लोग मुझे ही प्रताड़ित करने लगे। अच्छा। तो मैं कागज भेजता था नाम लिख के कि मैं तेज बहादुर यादव BSF 29 बटालियन, तो मुझे लगा कि हो सकता है PMO तक ये संदेश नहीं पहुंचा हो, तो वीडियो के माध्यम से वो एक संदेश पहुंचाया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, PMO भी इनसे मिला हुआ ही निकला, सारा सब कुछ सिस्टम तो इनसे मिला हुआ ही था, मुझे इस चीज का ज्ञान था नहीं, तो इन्होंने फिर मुझे बर्खास्त कर दिया। हमें जानकारी मिली है कि आपने आला अधिकारियों को सूचित करने के बजाय सीधे तौर पर वीडियो वायरल कर दी, जो कि सेना के नियमों के विरुद्ध है। तो ऐसा होता तो BSF के एक्ट एंड रूल जो मुझे बर्खास्त किया उसमें वो मेंशन करते, उन्होंने माना कि हाँ इन्होंने शिकायत की थी पहले, लेकिन अभी जो वीडियो का है ये अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको अलाउ नहीं है, सिपाही रैंक को अलाउ नहीं है। अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ, जब भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें अलाउ नहीं है का कहाँ से मतलब है? जब आप एक्शन लोगे ही नहीं तो इस देश की जनता के सामने वो चीज तो आनी थी। इसका मतलब तो यही, वही अंग्रेज वाला सिस्टम है हमारे, अंग्रेज जैसे चाहते थे वही सिस्टम आज चल रहा है। जो 1911 के नियम कानून, देश आजाद हो गया, एक जवान को भी मौलिक अधिकार मिलने थे। बताया जाता है कि आप हमेशा ड्यूटी से गायब रहते थे और आला अधिकारियों से हमेशा आपके बवाल और झगड़े होते रहते थे। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो उन आरोपों का मैं बताता हूँ कि मुझ पर पहले मैं धुबरी के अंदर था, तो BSF के कुछ एक अधिकारी गाय का पैसा बड़े तरीके से खा रहे थे। उस टाइम बहुत पैसा इनके पास इकट्ठा था। आज भी अगर ये रिकॉर्ड के तौर पे चेक करो, कोई भी जाके चेक कर सकता है, 29 बटालियन में 50 लाख रुपया ट्रेजरी में भी रखा है, जबकि वो 5 करोड़ था। जब ये लोग उसका गमन कर रहे थे तो कंपनी कमांडर मुझे ही शिक्षा दे रहा है कि आपको क्या ले देना, आप अपनी नौकरी कीजिए, मुझे धमका रहा है। तब मैंने उसको चैलेंज करके सीधा कहा था कि गाय का पैसा, और दूसरा मैं यादव होके गाय का पैसा नहीं खाने दूंगा, तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। उससे मैं गुस्से में आके मैंने ये भी कहा था, अगर आप ज्यादा बकवास करोगे और कभी गाय के पैसे अगर आपने किया और गाय पाए हो सकता है मैं गोली मार दे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आपके सामने गाय तस्करी हो रही है, आप चुपचाप दर्शक होकर बैठ के देखते रहोगे? मैं तो आज भी जवानों से कहता हूँ मार देनी चाहिए ऐसे अधिकारी को गोली जो गाय की तस्करी करता है। हमें जानकारी मिली है कि आपने कभी अपने सीनियर अधिकारी के ऊपर राइफल तान दी थी। वो वही केस है, वही केस है जो ये आरोप लगा रहे हैं, वही केस है धुबरी का है। मैंने कहा क्लियर कहा। अच्छा। और आज भी सबूत के तौर पे 50 लाख रुपया अभी भी रखा हुआ है जो मैंने बचाया बड़ी मुश्किल से। वो इंस्पेक्टर थे, रिटायर हो गए बाद में, उन्होंने खुद इस चीज को माना, एक्सेप्ट किया कि तेज बहादुर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, मैं गलत था, मैं स्मगलिंग कर रहा था। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज, वरना ये लोग मुझे जेल में डाल देते। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था, उत्तराखंड के थे, बाद में उनको जब रिटायर जाने लगे तो उनको महसूस हुआ कि अब मैं सिविल में जा रहा हूँ, मेरी पोल खुलेगी, मैं गायों की तस्करी करता था। अच्छा। तो उन्होंने इस चीज को माफी मांगा और उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, जो तेज बहादुर ने किया वो सही किया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। और दूसरा, जब आरोप ये लगाते हैं तो इस चीज को ये क्यों नहीं गिनाते कि तेज बहादुर ने 18 अवार्ड भी लिए, एक गोल्ड मेडल, जो वो मेरा गोल्ड मेडल है इंदौर का, ऑलराउंड बेस्ट। ऑलराउंड बेस्ट सभी के बस की बात नहीं है, ऑलराउंड का मतलब हर चीज में क्वालिफाई है, रिटर्न में भी, फिजिकल में भी, फायर के अंदर भी, हर चीज के गोल्ड मेडलिस्ट हूं। और 18 अवार्ड कोई आसान बात नहीं, और चैलेंज करके लेता था अधिकारियों को, सीधा चैलेंज करता था। हर साल जब हमारा एनुअल इंस्पेक्शन होता है उसमें चैलेंज करता था, आज ये ग्राउंड में छीन के लूंगा तुमसे, अपनी काबिलियत थी इसलिए लेता था, मैं उनसे छीन के लेता था। मतलब अभी कुछ समय पहले जानकारी मिली थी कि आपके बेटे ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। नहीं, वो न्यूज जो है लड़के ने गोली मार ली, ये भी गलत है। तमाम तरह की चीजें थी, मैं आया हुआ था कुंभ के अंदर इलाहाबाद में, जी, और घर की हालत बड़ी खराब थी, उसकी वजह से पत्नी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर दी थी। ये इंसिडेंट पीछे से हुआ है,
अच्छा, और इसके मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी, लेकिन किसी ने कोई जांच नहीं किया। ये संदेह के मतलब घेरे में है। हाँ, पिस्टल मेरा जरूर था, लेकिन आप देखिए कि पिस्टल का मैगजीन निकला हुआ है और मैगजीन काफी दूर रखा हुआ है, जिस जी कंडीशंस में बच्चा है, तो जी सब चीजों को संदेह के घेरे में तो हमें भी है, लेकिन प्रशासन सारा सब कुछ इनका है, सब कुछ इनका है, गरीब आदमी कौन सुनता है। आज उन्होंने क्लियर कह दिया कि इंसिडेंटल फायर बता दिया उन्होंने। अच्छा उन्होंने कहा इंसिडेंटल फायर है कि बच्चा कहीं पिस्टल से खेल रहा, गलती से गोली चल गई और उन्होंने केस क्लोज कर दिया। अब कोई जांच आगे की नहीं, कुछ भी इंसिडेंटल बता के उन्होंने क्लोज कर दिया उस केस को। मेडिकल में रिपोर्ट भी उन्होंने उसी हिसाब से बनवाया कि इंसिडेंटल का है सर। आप क्या सोचकर सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनावी दंगल में ताल ठोक दी, ऐसा क्यों? देखो, धोखा तो प्रधानमंत्री ने दिया ना देश को। जी सबसे पहले मैं भी प्रधानमंत्री को वोट दिया था पहले 2014 में। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था शहीद का दर्जा दूंगा, पेंशन दूंगा, एक के बदले 10 सर रहूंगा। हेमराज का नाम सुना था? हेमराज के ऊपर पूरी राजनीति करी थी उन्होंने। हुआ क्या, इन्होंने किया क्या? 45 जवान मरवा दिए इन्होंने, ये किया पुलवामा में 45 जवान मरवा दिए इन्होंने, जिसकी कोई जांच प्रधानमंत्री हुई तो महोदय तो एक भी। बराबर कहते हैं कि हम देश की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, एक भी उनका चीज बताए। उनके राज के अंदर 997 सुसाइड, जो कि कारगिल युद्ध के अंदर 500 जवान शहीद होते हैं, युद्ध लड़ा जाता है, और इनके कार्यकाल में जिनको पता ही नहीं, बंद कमरे के अंदर सुसाइड 997 जवान कर लेते हैं, तो इन्होंने जवानों के लिए किया क्या? जवानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये जवानों के लिए कुछ कर रहे थे तो बनारस के अंदर मेरा पर्चा क्यों रद्द करवाया? लड़ने देते मुझे, न्यूज स्टिंग में सब जगह अब तो क्लियर हो गया, एबीपी न्यूज ने स्टिंग कर दिया, उसमें क्लियर है कि हाँ प्रधानमंत्री ने पर्चा निरस्त कराया है। अब जब इनको लगा कि हम जवानों के ऊपर वोट मांग रहे हैं, और आज देश के पूरे कोने कोने से जवान, वहां 20,000 जवान आने वाले थे इनके खिलाफ, जी जब इनकी पोल खुल रही है, ये बुरी तरीके से हार रहे हैं, इनकी इतनी हालत खराब हो रही थी, तो इन्होंने पर्चा निरस्त करवाया। सारी पार्टियों ने मुझे समर्थन दे दिया था महागठबंधन। तेज बहादुर जी, आप में अखिलेश यादव को क्या ऐसा दिखा जिसके चलते उन्होंने आपको समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित कर दिया? हमने निर्दलीय फॉर्म भरा था। निर्दलीय फॉर्म भरने के बाद में हमने सभी पार्टियों को चिट्ठियां भेजी थी, अगर भी वाकई में तुम देश के साथ हो और देश को बचाना चाहते हो तो हमारे सेना के जवान हम इतने हैं, साथ में मिलके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग करें। तो कुछ एक ने उन्होंने किया सहयोग, कहा कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम खुले तौर पर आपकी सपोर्ट करेंगे। बाद में महागठबंधन को भी लगा कि हाँ तेज बहादुर का हमें सहयोग करना चाहिए। उन्होंने हमसे पूछा कि आप सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? कहा जी बिल्कुल लड़ेंगे, हम तैयार, हम भी तैयार थे, क्योंकि हमारे पास भी व्यवस्था साधन थी नहीं कुछ भी, तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि 70 साल में कोई पहली बार एक गरीब सिपाही को, जिसके पास खांदो वक्त की रोटी भी नहीं, जिसको टिकट दे रही इतनी बड़ी पार्टी, हमें भी खुशी हुई कि चलो देश के सम्मान में इन्होंने इतना किया है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सिंबल पे चुनाव लड़ना चाह, मोदी जी तो ऐसे घबरा गए, रातों रात भागना शुरू कर दिया, पूरी बीजेपी में तहलका मच गया। रात को 2 बजे योगी जी और उनके जो है महासचिव अमित शाह BHU में पहुंच गए रात को 2 बजे। इतने डर गए कि रात को 2 बजे अमित शाह, जो कि कहते हैं कि चाणक्य पूरे हिंदुस्तान का, वो एक सिपाही से इतना डर गया कि रात को 2 बजे भाग के पहुंच रहा है वहां पर, और अधिकारियों की मीटिंग लेता है। कैमरे के सामने अधिकारी खुद कह रहे हैं कि 48 घंटे हमने मत्था पच्ची की तेज बहादुर का पर्चा टेंशन करने के लिए, खुद कैमरे के आगे बातें बोल रहे हैं, सब सामने आ गई देश के सामने। अरे एक चुनाव लड़ने तो देते आप कम से कम, हार जीत जो भी होता, लेकिन इनको पता है कि देश के सिपाही के सामने कोई नहीं जीत सकता, और झूठे लोग तो कहाँ से जीत, वहां ट्रेड चल गया नकली चौकीदार बनाम असली चौकीदार, इनको पता लग गया असली चौकीदार आएगा तो हमारी खैर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री सिन्हा ठोक कर कहते हैं कि देश के सैनिकों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर है, अभिनंदन को हम हमारे चलते वापस लाया। मोदी जी ने तो खबर भी नहीं दी कि अभिनंदन पकड़ा गया, वो तो पाकिस्तान का शुक्र है, वो जनेवा समझौता के तहत उन्होंने बता दिया कि हमने आपके पायलट को पकड़ा, नहीं ये तो बताते भी नहीं किसी को, ये साथी लोग बताते भी नहीं हमारे साथ हुआ क्या है। जी जी वो तो उन्होंने खबर दे दिया, उसके बाद इंटरनेशनल चारों तरफ से दबाव पड़ा, दबाव पड़ने के बाद जनेवा समझौता है उसके तहत छोड़ना पड़ता है कोई भी, अगर हम भी पकड़ते तो हमें भी छोड़ना पड़ता है। उसके बारे में मोदी जी क्या पता क्या समझौता है क्या नहीं है। मोदी जी तो पीछे एक शब्द कहा था मोदी जी ने, आपके माध्यम से पूरे देश तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, मोदी जी से सवाल ट्वीट से पूछे, मोदी जी कहते हैं कि हमने सेनाओं को खुली छूट दे दी। अरे मोदी जी आप इतने पढ़े लिखे, आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि सेनाओं आपके अधीन नहीं है, भारतीय सेना आपकी अपने बाप की नहीं है, भारतीय सेना उस भारतीय की है जो टैक्स दे रहा है, राष्ट्रपति के अधीन आती है, और राष्ट्रपति को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि वो कैसे कह सकते हैं कि हमने सेनाओं को छूट दे दी। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ कि हिटलर शाही शासन है और सेना आपने जो है कब्जा किया हुआ, आपने उनको कोई अधिकार नहीं है, उनके ऊपर सीधा सीधा जेल डालना चाहिए इस मामले के ऊपर कि आपने सेनाओं पर इसका मतलब कब्जा करने की कोशिश की। और उसके बाद योगी जी कह देते हैं मोदी जी की सेना,
तीनों जनरलों को सामने आना चाहिए, राष्ट्रपति को सामने आना चाहिए, योगी जी को जेल में डालना चाहिए। क्या आप कैसे कह सकते हो मोदी जी की सेना, मोदी जी के बाप की सेना है क्या? योगी जी के बाप की सेना है, भारत की सेना है, हर भारतीय का हक है। हाँ, भारतीय को कह सकता है कि मेरी सेना है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष राजनीतिक नहीं कह सकता कि मेरी सेना है। नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। तमाम की चीजें, हिटलर शाही शासन अभी 23 के बाद देख लीजिए, जब जाएगा तब हो सकता है कि यही सेना है जो उसको जवाब देंगी। आज तक लोग छाती पीट रहे सेनाओं के लिए, सब फोन खुलेंगे, सारा सब सामने आएगा। सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सर्जिकल स्ट्राइक फौज ने किया, मोदी जी का क्या रोल है उसमें? सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होता रहा है, इस तरह की सीक्रेट चीजें, इसी से तो हमारी बदनामी हुई है। फौज इनका हमने विरोध क्यों किया? इसीलिए तो किया कि हमारी सीक्रेट चीजें जो आज तक चलती आई है उनको आप अपना राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए सारी फौज इनके खिलाफ है। वरना 10,000 सैनिक बनारस की धरती पर क्यों आने को तैयार होते? उनको गुस्सा है कि आज विदेशों के अंदर जो भारतीय फौज का जो नाम हुआ करता था वो उन्होंने मिट्टी में मिलाया है, बदनामी की है फौज की। एयर स्ट्राइक हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, सेना करती है, उसका अपना काम की नहीं दीजिए। आपके जब अधीन ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, राष्ट्रपति को अपना काम करने दीजिए, जनरलों को अपना काम करने दीजिए, अपने आप करेंगे। आज भी करते हैं, जब उन्होंने दो दो युद्ध जीता, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, तब राजनीति नहीं हुई, तो अब आप क्यों कर रहे हैं? आपने तो कुछ किया भी नहीं, आपने तो सिर्फ जवानों को मरवाया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया। आप राजनीति भी राजनीति करे जा रहे हो। अच्छा, सेना पर वोट, सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, जब तो मैंने कहां पर्चा तक जाएगा? मैंने पर्चा भरा उसके बाद एक दिन भी क्यों नहीं मांगा इन्होंने, इनका मुंह बंद है उस दिन के बाद। मेरा पर्चा जब निरस्त हुआ उसके बाद तो इन्होंने एक शब्द भी जहां तक नहीं बोला है, क्योंकि अब उनको जवाब देने वाला इनके सामने है। अब तो ये गुफा में बैठ के वोट मांग रहे हैं, भोलेनाथ के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो गुफा में इनकी जगह कर दी है, इधर केस के बाद भेजेंगे गुफा में, रहिए आप। जी, आपका नामांकन रद्द किया गया, उसके बाद आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्या संदेश दिया, क्या राय दी आपको? अभी उनसे चर्चाएं होगी, उन्होंने कहा है कि आप अपना कार्य करते रहे, हम पार्टी आपके साथ है, जो भी चीज होगी और आगे का जो भी दिशा निर्देश मिलेगा कल तक आप सूचित कर देंगे, जो भी हमें कार्यभार मिलेगा जिस प्रकार।